So this video is all about the anxiety attacks, the stress, the depression that so many people are facing at this moment. Trust me, with the situation that I am in, मैं देखा जाए तो अच्छे घर पे हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, घर में इतना बड़ा बालकनी है, बाहर वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है. आई एम स्टेइंग विथ माई मॉम, माई डैड, माई हस्बैंड. तो एक्चुअली देखा जाए तो मैं अपने सबसे करीबी लोगों के साथ हूँ, लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे तो ऐसा होने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं काम भी कर रही हूँ और इतना पैसा कमाया है कि मुझे इसी वक्त काम पे भाग के जाने का स्ट्रेस भी नहीं है. लेकिन अगर इस वक्त मुझे ऐसा हो सकता है, आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु कुड बी गोइंग थ्रू दिस सेम सिचुएशन. इसीलिए आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो टुडे. टॉकिंग अबाउट इट, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मुझे बहुत एंथुजियाज्म था अंदर की बहुत घर का काम कर लूंगी. तो मैंने एक दिन कुछ किया, एक दिन मैंने बुक शेल्फ ठीक किया, एक दिन जूते का रैक साफ किया, कभी कुछ घर की सफाई, पता नहीं मैं क्या क्या काम कर रही थी. क्योंकि ये सारा काम भी मेरे लिए काफ़ी नया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे रोज़मर्रा के शूटिंग वाली जिंदगी से अलग था. तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था बस थोड़ी दिन की बात है, अभी मजा आ रहा है, दिस टू शैल पास. बट एक्चुअली देखा जाए तो एट द बैक ऑफ माय माइंड आई नो दिस टू शैल पास, दिस इज नॉट अ फॉर एवर थिंग. मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा. बट आफ्टर वन वीक और टू वीक्स आई स्टार्टेड गेटिंग पेन इन माई बॉडी. मुझे दर्द होने लगा, दर्द और रियल दर्द, मतलब दर्द जैसा ही महसूस हो रहा था. और थोड़े दिन के बाद वो दर्द इतना ज़्यादा और लगातार दिन रात सुबह शाम मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी. ऐसा लग रहा था मुझे अंदर से कोई बीमारी हो गई हो. ये बीमारी सोचते सोचते ही ऐसा न्यूज़ आया कि इरफान खान गुजर गए हैं ऐसी किसी बीमारी से. फिर ऋषि कपूर अगले दिन ही उनका भी देहांत हो गया. तो पता नहीं मुझे, मैं तो और भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर मैं कहीं एक होल में चली जा रही हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं आ पा रही हूँ. दोस्तों से बात कर रही थी, मैं एक्टर हूँ तो बहुत सारे इमोशंस को छुपाने की आदत है, बहुत सारे इमोशंस को कवर अप करने का क्षमता है. तो इसीलिए घर में अगर कभी कोई स्ट्रेस हो या कुछ हो तो सब चीज़ों को कभी हम लोग दिखाते नहीं हैं. एज एक्टर्स शूटिंग करते हैं, उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उस कैरेक्टर को कैमरा के सामने हम लोग बखूबी निभा के फिर हम अपने स्ट्रेस वाली जिंदगी में जाते हैं. कैमरा में देखने से लोग पता भी नहीं कर पाते कि पीछे मेरे मन के अंदर क्या स्ट्रेस है क्या नहीं. तो ये क्वालिटी तो है ही, इसीलिए शायद आजू बाजू के लोगों को नहीं बता रही थी और लोग पकड़ भी नहीं पा रहे थे. दोस्तों से बात कर रही थी मैं, येस, बिकॉज आई नो यू नीड टू टॉक टू पीपल. टॉक तो कर रही थी लेकिन असली प्रॉब्लम के अलावा सारी बात बोल रही थी, बहुत सारी बात कर रही थी. लेकिन हर बात के एंड में ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है और मैं क्यों बात कर रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म, शायद मैं ज़्यादा दिन तक तो देख भी नहीं पाऊंगी, क्यों फ्यूचर के बारे में बात करूँ. वो बहुत उल्टा पुल्टा साउंड कर रहा है अभी सुनने में, बट समहाउ मेरे मन के अंदर कुछ अजीब गरीब तरीके से सोच चल रहा था और अजीब लग रहा था, मैं बहुत बीमार हूँ कहीं ना कहीं अंदर से. तो ऐसा काफ़ी टाइम चला, करीबन एक महीना. मैं अपने आप को समझा भी रही थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई नीड टू फाइट विथ माई माइंड. मेडिटेशन स्टार्ट किया, दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी और मुझे ये हिम्मत दिया कि मैं इसके बारे में बात करूँ. तो मैंने गुरमीत से बात किया और गुरमीत ने भी मुझे बोला कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है लेकिन अगर फिर भी तुमको लग रहा है सो वी विल टॉक टू अ डॉक्टर. एंड थैंक गॉड आई डिड दैट. एंड मैंने एक डॉक्टर से बात किया. डॉक्टर का एक इंटरव्यू में मैं दे दूंगी, इसके साथ अटैच कर दूंगी, उनका नाम दे दूंगी. शी इज़ द हेड ऑफ मेडस्केप इंडिया, विच इज़ लाइक जो सारे डॉक्टर्स हैं, 80% डॉक्टर्स ऑफ इंडिया वो मेडस्केप के अंडर आता है, उनका हेड है ये. सो आई थॉट आई विल टॉक टू हर.
उनको मैं सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो वो मुझे एक्चुअली बता पाएंगे कि अच्छा इस वक्त आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ। क्योंकि वो जो एक महीने के दौरान मैं जो सोच रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ है अंदर से, मैं ये सोच रही थी मैं किसी हॉस्पिटल में जा नहीं सकती क्योंकि अभी हर जगह कोविड के पेशेंट्स हैं, तो कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा है, और अगर ले भी रहा हो तो मैं ऐसे रिस्की सिचुएशन में अपने आप को कैसे लेके जाऊं, मतलब कहाँ लेके जाऊं, मैं कौन से डॉक्टर को बुलाऊं, कौन सा ब्लड टेस्ट कराऊं, कोई ब्लड टेस्ट कर भी रहा है कि नहीं, वहां से मुझे और बीमारी उल्टा आ जाएगा, मेरी बीमारी ठीक होने के बदले में मैं और बीमार भी पड़ सकती हूं। तो इतना खिचड़ी चल रहा था मन में कि मैं कुछ स्टेप नहीं ले पा रही थी। तो फाइनली इन डॉक्टर से मैंने इनसे बात किया, इनके अंडर दुनिया के सारे डॉक्टर से, इंडिया के सारे अच्छे बड़े डॉक्टर से, मुझे लगा कि इनको मैं बताऊंगी, शी इज अ वेरी बिग रेडियोलॉजिस्ट हरसेल्फ, तो वो मुझे रिकमेंड कर देंगे मुझे जो डॉक्टर की जरूरत है। थैंक यू टू गूगल, गूगल कुमारी बन गई थी। मुझे लगता है कि इस वक्त हम सब बहुत ज्यादा गूगल पे रिलाई करते हैं, कुछ हो गया तो गूगल पे हम लोग कर लेते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे अभी क्या हुआ होगा। तो कभी मेरे सिम्टम कुछ बता रहा था, कभी बोल रहा था हार्ट अटैक, कभी बोल रहा था पता नहीं मेरे लंग में कुछ हो गया, और जो भी मैं पढ़ी थी मुझे वैसे ही सिम्टम्स होने लग रहे थे। मुझे एक ने बताया, गूगल ने बताया कि हार्ट में कुछ होने से ऐसे जॉ अकड़ जाता है, अगले दिन मुझे ऐसा लगता है मेरा जॉ भी अकड़ रहा है, मेरे पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, क्या नहीं हो रहा था। खैर फाइनली वो शुभ दिन, दैट ब्यूटिफुल डे व्हेन आई स्पोक टू द डॉक्टर, शी लिसन टू मी केयरफुली एंड शी सेड, देबिना यू आर नॉट अलोन। हम लोगों के पास ऐसे कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस दिन एक लड़के का फोन आया था हमारे पास, जो बोल रहा था कि उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बॉडी में एक्चुअली में लकवा आ गया था, उसके मुंह टेढ़ा हो गया था और उसको सारे सिम्टम्स थे हार्ट अटैक के, और उसको एम्बुलेंस से लेके गया हुआ, मतलब लेके जाया गया, और सारे टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसको कुछ नहीं हुआ है, उसके यहाँ पे हुआ था। बिल्कुल जिस तरीके से जब आपके पास पानी नहीं होता है तो आपको प्यास लगती है, तो जब लॉकडाउन है ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ है अपार्ट फ्रॉम बोर्डम एंड मोनोटोनासिटी ऑफ स्टेइंग इनसाइड द हाउस, नॉट दैट वी आर लेकिन अ पैथेटिक सिचुएशन, बट बिकॉज वी आर stuck in the house, we are not allowed to go out of the house, our mind is building up different stories in different ways in different people. मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे जैसा ही हो रहा होगा हर एक इंसान को, but ऐसा बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से असर कर रहा है, और वो मन बोल रहा है कि मैं क्योंकि अभी निकल नहीं सकता, because I cannot step out of the house, the mind is playing games with us to मेक अस फील अनकंफर्टेबल बिकॉज वी आर एट होम, वी कैन नॉट स्टेप आउट। आई वुड से दैट द मेडिटेशन रियली हेल्प्ड, जिसने मुझे करेज दिया बात करने के लिए, मेडिटेशन ने मुझे वो करेज दिया कि मैं घर वालों से बात करूं, मेरे घर वालों ने तुरंत एक्शन लिया, डॉक्टर से बात कराया, साइकियाट्रिस्ट से भी जरूरत पड़े तो बात कर सकती हूँ, पर अभी तक मैंने नहीं किया। लेकिन अगर किसी को भी कोई भी डॉक्टर की जरूरत है जो घर वालों को नहीं बोल पा रहे, या जो अकेले हैं, जो आप एक्चुअली फोन कर भी रहे हैं किसी से बात करने के लिए लेकिन अपना असली प्रॉब्लम नहीं बता कि सिर्फ इतना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग बहुत सारी बात करें यार कब लॉकडाउन खुलेगा, यार कब क्या होगा, लेकिन हम असली बात नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो मैं बात कर रही हूँ असली वाली कि लॉकडाउन कब खुलेगा, और पता नहीं मैं बोर हो रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी बहुत खुश हूँ, कभी बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ, कभी अच्छा नहीं लग रहा है। सो राइट नाउ ऑल दैट वी नीड टू डू इज डू समथिंग दैट वी आर फीलिंग गुड टू डू। आपको अगर स्पेशली कुछ करने की मन करने का मन नहीं कर रहा है मत करिए, दिस इज द टाइम टू जस्ट फील गुड। देखना अगर आप गुड फील करेंगे, अंदर से अच्छा फील करेंगे, आप ऑटोमेटिकली बहुत कुछ करने लगेंगे। आप जबरदस्ती करने जाएंगे तो मन नहीं करेगा, अगर मन अंदर से ठीक ना हो। सो लीविंग एवरीथिंग असाइड, इन केस एनी ऑफ यू आर फीलिंग एनीथिंग वियर्ड इन द माइंड विच इज जस्ट नॉट योर एवरीडे यू, जो आप नहीं है एक्चुअली। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए भाग के डॉक्टर के पास, भापरी जाके मैंने ये टेस्ट करा लिया, मैंने वो टेस्ट करा लिया, और डॉक्टर बोल रहे नहीं आपको कोई बीमारी नहीं है। ये मेरे साथ होता है और हुआ एक्चुअली। सो
उन्होंने बोला कि मैं वैन भी भेज दूंगी, वो जाके आपके सारे टेस्ट भी कर लेंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो खैर मैं उसके उस स्टोरी में वापस आती हूँ, डॉक्टर से बात करने की एक डेढ़ दिन के बाद एक्चुअली मेरे सारे दर्द चले गए। मैंने कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लिया, विटामिन बी, विटामिन सी तो ले ही रही थी डेफिनेटली, विटामिन डी भी ले रही थी, साथ में विटामिन ई वी सब कुछ लेने लग गई। हाँ नीचे मैं दे दूंगी मैं क्या ले रही हूँ, और साथ में आई विल जस्ट गिव द नंबर ऑफ द डॉक्टर, द नेम ऑफ द डॉक्टर, जो आपको अगर कभी भी जरूरत पड़े जस्ट गेट इन टच विथ योर डॉक्टर। इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल यू कैन गेट इन टच विथ दिस डॉक्टर, शी कैन रियली 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 हेल्प। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दैट, दैट यू आर नॉट अलोन, देर आर सो मेनी पीपल लाइक यू, सो कम आउट ऑफ इट बिकॉज वी नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड लेट दिस पास। आई मीन इट एंड आई रियली लव यू गाइज। Hey, I'm Dr. Sunita Dubey from Medscape India, and I would like to say it is a time to heal yourself and be yourself and enjoy the time what you have got today to stay in lockdown. But during this time, I would say to stay away from all the panic reaction of your life, because when you are staying alone at home or you are at home, you tend to become restless, anxiety come. That's absolutely normal, nothing to worry about it. We are all are human, we've been used to meeting people, being in public, so we tend to get a little stressed out about it. Also, I would say reduce the screen time, you just have a, because a lot of news is going around, a lot of negative things are coming, so I would say go with the authentic news which is coming from WHO, from the government of India or your state which is giving. Those are the authentic news which you need to know. Apart from, you avoid watching too much of TV and go for the watching good movie which you wanted to do. So I feel this is a time to help each other and stay happy, stay such a way where you become empowered itself. You don't have to, this is a time to build yourself, this time to create yourself. So you all have to come together being more positive. So I feel this is a time to be united and be patient, be helpful to each other. That could, the best thing we can do as a citizen of the country, as a family member also, we have to be as a one unity. We should not leave. Thank you.